हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में ये देखिए, आई थिंक आपको ना मैंने इस सीज़न में चेरीज ही नहीं दिखाई, क्योंकि जब चेरी का सीज़न था ना, जो मेन सीज़न था चेरी का, उस टाइम पे मैं कुल्लू गई हुई थी, तो मैं वीडियोस नहीं बना पाई थी। तो ये चेरीज अंकित ने अपने फ्रेंड के यहाँ से लाई हैं स्पेशल चेरी वाइन बनाने के लिए। तो ये देखिए, ये है चेरीज जो कि ओवर राइप हो चुकी है, क्योंकि अंकित भी पूरा एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ता पहले से ये निकाल के रखी थी, और उसके बाद अभी सैटरडे को ये घर आए, तो ओवर राइप हो गई है। इवन कुछ एक तो ख़राब भी हो गई, कुछ एक फेंकनी पड़ेंगी, और बाकी की जो ये बची हुई है, जो सही है, इनकी हम लोग अभी गुठलियाँ निकालेंगे। अंकित शाम को आएंगे, उसके बाद तो क्या इतना सीरियस हो रहा है मेरे भाई? मेरे को किस बात से तो आप बोल रहे हैं, आप आई एम सॉरी, रियली वेरी सॉरी, बहुत लेट हो गया, क्योंकि बहुत से लोगों के वहाँ तो अब चेरी का जो सीज़न है ख़त्म हो गया होगा, और चेरीज भी ख़त्म हो गई होंगी, पर मैं उस टाइम कुल्लू गई थी, और मैं ये इतनी लेट इसीलिए डाल रही हूँ वीडियो, क्योंकि मैं नहीं थी यहाँ पे चेरी सीज़न में। अदरवाइज़ मैं हर बार आपके हिसाब से शेयर करती थी कि चेरीज किस तरह से है, किस तरह से पेड़ों में लगी हुई है, क्योंकि चेरी की ना हमेशा बम्पर क्रॉप ही होती है, बहुत ही सुंदर लगती है जब चेरी होती है, और मैं तो खाती भी इतनी हूँ ना चेरी, इस बार तो मैंने ढंग से खाई भी नहीं चेरी, क्योंकि मैं कुल्लू में थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को, और ब्लॉग को शुरू करने से पहले मेक श्योर कि आप लोग इसे लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा विद बेल नोटिफिकेशन, बेल नोटिफिकेशन ऑन वाले ऑन, इसकी ना बोलती बंद होगी बुरी तरह से। बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, जोर से बोलो, बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बोलो जोर से बोलो ना करण, लाइक शेयर सब्सक्राइब किए टू माय मैम्स चैनल। तो चलो चलो चलो, और एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए हमारे रूट स्टॉक, जो आई थिंक हमने एक साल पहले या एक नहीं पिछले साल हम लोगों ने रूट स्टॉक लगाए थे, और इस साल देखिए सैंपल इनमें आ गए हैं, और एक कितने छोटे छोटे पेड़ हैं, छोटे छोटे पेड़ों में इतने सारे एप्पल इनमें लगे हुए, तो बहुत ही सुंदर लग रही है देखने में। सो गाइस, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों का बस से एक मिनट लेने वाली हूँ, क्योंकि ये जो मैंने इस ब्लॉग में नाइट सूट पहन रखा है, इसके लिए मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम ये आपने कहाँ से खरीदा है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स में और काफ़ी सारी रील्स में ये पहना होता है, तो इसके लिए काफ़ी सारी फीमेल सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रही थी। ये जो नाइट सूट है, ये मैंने बहुत सारे व्लॉग्स में और काफ़ी सारी रील्स में पहन रखा है, तो ये मैंने क्लोविया ब्रांड से मंगाया। बेसिकली इसको मंगवा के ना मुझे आई थिंक 1.5 महीना हो गया है, और इसे कई बार मैं मशीन में वॉश भी कर चुकी हूँ, तो फैब्रिक वाइज बहुत ही सुपर डुपर क्वालिटीज़ की है, और लुक वाइज भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और अभी स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, ये वाला नाइट सूट भी सेम मैंने क्लोविया से ही ऑर्डर करा था, और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और स्टाइलिश ये भी मुझे रिसीव हुआ है। सो ये दोनों के दोनों नाइट सूट्स मैंने काफ़ी टाइम तक यूज़ करे, और ये जो इसका रिव्यू है, ये आफ्टर वॉश रिव्यू है, क्योंकि वॉश करने के बाद भी, इवन मैंने इन्हें मशीन वॉश किया है, फिर भी इसके फैब्रिक में कोई भी प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिली है। तो अगर आप लोगों को भी नाइट सूट्स, लॉन्ड्री, जिमवेयर वगैरह कुछ भी आपको खरीदना है, तो आप लोग क्लोविया की वेबसाइट को जाकर विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ ही आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि क्लोविया लेकर आया बिगेस्ट सेल, जिसमें कि आपको 50-70% लॉन्ड्री पर ऑफ मिलेगा, और बाकी नाइट सूट, एक्टिव वेयर, जिम वेयर सभी पे आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट देखने को मिलेगा, तो जरूर जाकर चेक करें। क्लोविया की वेबसाइट के अलावा आपको ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, नायका एंड पर्पल जैसी अदर वेबसाइट से भी देखने को मिल जाएंगे, बट उसके ऊपर आपको जो मेरा कूपन कोड है, जो आपको स्क्रीन पे अभी शो हो रहा है, जिसको यूज़ करके कि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा, वो उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ये जो कूपन कोड है, ये सिर्फ www.clovia.com पर ही अप्लाई होगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, फटाफट से जाइए और अपने ऑर्डर्स प्लेस कीजिए। इसको ना मैं सुला के आई थी, मैंने आपको बताया था कि मेरे को इसको सुलाने के बाद ही टाइम मिलता है व्लॉगिंग करने का, तो मेरा बच्चा उठ गया यहाँ पे, और इस बच्चे ने ना ये देखिए यहाँ पे क्या किया, और छोटी यहाँ दिखा था अपने, ये क्या अभी ये नीला दाग, हाँ अभी देखा, ये देखिए नायशा की हरकतें, क्यों किया था आपने, अब भी चिकनोगे आप अच्छे मम्मा को, ये पता है क्या, ये सुलाती हूँ इसको गोद में, इनकी किस बात पर गुस्सा है, इसने डांस से दे दी ये इधर, पर अब उसके बाद ये बहुत शर्मिंदा है बेचारी, क्योंकि सब लोगों ने इसको बोला कि क्या क्या तूने मम्मा को इतने जोश बाइट किया, उस बार रोई भी, इसको बहुत पछतावा कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अब जब भी ये देखती नहीं तो मेरे को ना बेचारी पाक किस करने लग जाती, मेरे को ऐसा पकड़ती कि सॉरी मम्मा, है ना बेबी, बेबी हेलो टू बोल दो, मेरा बच्चा वहाँ देखो कौन कौन है, रेशमा दीदी, करण भैया, मंजू दीदी, देखो कौन कौन है बेबी, कौन कौन है बच्चा, देखो तो बोले आप अगली बार से करोगे ऐसा, अगली बार से चापी करोगे मम्मा को, बोलो करोगे अगली बार,
करेगा कि नहीं करेगा ना? सॉरी बोलो जल्दी से। खुश क्यों हो रहे हो आप? ये बहुत खुश हो रही है, पता क्यों खुश हो रही है? सबको देख के, रेशमा है, करण है, सुषमा है, मंजू, इन सबको देख के खुश हो रही है कि वाह सो के उठते मुझे क्या नजारे देखने को मिल रहे। तो चलिए चलते हैं। ये ना ये खाने के लिए नहीं, ये ना बहुत खराब है, ये बहुत ज्यादा, इसको खाएंगे नहीं। तो अब ये जो चेरीज है ना, इसकी गुटली हम लोग अलग करेंगे। इसमें काफी सारी हैं जो खराब भी हो चुकी है, उनके उन्हें फेंक देंगे, और जो बाकी चेरीज है उनकी गुटलियां इस तरह से अलग करेंगे। और देखिए ओवर राइप हो गई है, बिल्कुल ब्लैक हो गई है चेरीज। देखिए इधर गुटली फेंक देंगे और ये इसमें डाल देते हैं। और पहले अगर ये कच्ची होती ना, जब चेरीज कच्ची होती है तो गुटलियाँ निकालना काफी टफ हो जाता है, पर ये इतनी पकी हुई है कि मुश्किल ही नहीं है, कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही, फटाफट से निकल रही है। बच्चे खेलने चलिए, जाओ बेटा खेलो, आप लोग उधर को खेलो, परे को जाओ, उधर को खेलो आप लोग। बहुत रात हो नहीं, पक गई है। आ गए मिस्टर अंकित वाइन बनाने। क्या डाल रहे हैं आप? आयुर्वेदिक चीजें, थोड़ी सी लौंग, इलायची और थोड़ी डीम डाल देंगे। टेस्ट क्या पकड़ा? इसे टेस्ट आता है। क्या करें? चेरी इतनी डाल नहीं, चेरी इतनी है, थोड़ी कम है। हाँ जी, तो क्या कर रहे हैं की? तो ये जा रही है इसमें चेरी, और ये वाली जो इसमें नहीं, खराब हो गई। चलो कोई बात नहीं, अगर इतना भी बन जाए बहुत है। इतनी भी बन जाए, पर्सनल यूज के थोड़ी सी बनानी हमने। नहीं, ये कुछ जरूरत ही नहीं इसको, एक्चुअली ना इसको करना पड़ता था, पीसना पड़ता था, थोड़ा जरूरत ही नहीं है कि इतनी पकी हुई है ये, मतलब ना इसमें ये बिल्कुल है ग्राइंड हुई है, बिल्कुल हाँ पिछली है लग रहा है। ये कितनी है? आधा किलो से ज्यादा है, एक किलो तो है होगी शायद। ओके, अब क्या क्या डालेंगे इसमें आप? फिर अब डालेंगे वो, कहाँ डाली मैंने वो लौंग इलायची वाला? लौंग इलायची रखी थी आपने कहीं? वो देखो दिखाओ जरा, ठीक है, लौंग इलायची और काली मिर्च फ्लेवर के लिए, फ्लेवर के लिए है ना। फिर ये जाएगा जिसमें चावल, ये शुगर सिर्फ पानी, ये दोनों चीनी वाला पानी है। ये काफी हो जाएगा, मुझे लग रहा है इतना ज्यादा डाल दिया मैंने। जितनी चेरी है ना उतनी शुगर की, उससे कम नहीं, उतने जाएगा। जितनी चेरी है होगी ना, जस्ट मान लो मतलब 3 किलो का चेरी थी ना, आधी तो मतलब शुगर है ना, 1.5 किलो बस। हाँ ये हो गया जी, इसमें डाल दे थोड़ा सा पानी, मतलब पूरा भर लेते इसको इसमें ना। ठीक है, पूरा भर दो इसको। तो बस इतना आसान सा काम है चेरी वाइन बनाना, कोई दिक्कत वाली बात कुछ बना, केमिकल हमने डाला कुछ ऐसा डाला, ये सिंपल सा है, बढ़िया वाला काम। लाइट सी वो बन जाएगी आपके वाइन, लाइट में लगता था एयर टाइट करना पड़ता था, एयर टाइट तो ठीक था ना पॉलिथीन के साथ, इसको लगाना पड़ेगा। सो हम लोगों की जो चेरी वाइन है वो रेडी हो चुकी है, और अब हम इसे रखेंगे लगभग 3 हफ्तों के लिए अंधेरे कमरे में, और 3 हफ्तों के बाद इसे टेस्ट किया जाएगा। 3 हफ्तों में ये लगभग रेडी हो जाएगी कंज्यूम करने के लिए। सो बेसिकली चेरी वाइन में ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपको चेरी लेनी है, छील चेरी की गुठलियां निकालनी, उसके बाद उसको आपको मैश करना है। अगर वो हमारे बहुत ज्यादा पकी हुई थी तो हमने इसे मैश नहीं करा। बाकी इसकी जो पूरी कंप्लीट वीडियो ना मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर भी आप लोगों के साथ आई थिंक शेयर करी थी। सो उसके बाद आपको इसमें चीनी शुगर सिरप डालना है, जितनी चेरी है उससे आधा या आधे से कम आपको शुगर डालनी है, और इसके अलावा कोई भी अनाज, गेहूं या चावल इसमें डालना है, थोड़ा सा यीस्ट डालना है, और बाकी फ्लेवर के लिए
इलायची लौंग वगैरह आप डाल सकते हैं। तो बस बाकी अंधेरे कमरे में रख देना है, एयर टाइट कंटेनर में इसको डाल के, और उसके बाद लगभग 3 हफ्तों के बाद ये रेडी हो जाएगी। तो चलिए अभी से रख देते हैं और आई होप कि किसी के बाद बढ़िया सी वाइन बन के आए। इधर अंधेरा कमरा है, बहुत अंधेरा है माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। देखते हैं, छोटी कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो ये इसे यहाँ पे रख दिया है मैंने। So guys, that's all for today's video. I hope कि आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया जैसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा विद बेल नोटिफिकेशन ऑन। और इसके साथ ही लास्ट टाइम की तरह इस वीडियो पे कोई बवाल करने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम भी काफी ज्यादा कुछ लोगों ने कमेंट करे थे कि वाइन बना रही है वो, तो यार पूरा का पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है ये वाइन्स की वीडियो से। सो अगर हमारे घर में फ्रूट है वो वेस्ट हो रहे हैं और हम लोग अपने पर्सनल यूज के लिए थोड़ा सा वाइन बना रहे हैं, तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वाइन की अगर बात करें तो अगर इसको लिमिटेड क्वांटिटी में लिया जाए तो ये हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही कि आप सभी लोगों को पीनी है वाइन, क्योंकि मैं ये बोल रही हूँ कि अगर इसे लिमिटेड क्वांटिटी में कंज्यूम किया जाए तो ये हेल्थ के लिए सही होती है। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।